अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोगों को एनजीओ के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि एनजीओ होता क्या है और इसका पाकिस्तान में जो बारिशें होती हैं ख़ास तौर पे सर्दियों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या असर होता है। तो एनजीओ जो है बेसिकली एक जियोग्राफिकल फेमिना है जिसका मतलब है मेडियन जूलियन ऑसिलेशन। मेडियन जूलियन जो थे साइंटिस्ट जिन्होंने ये 1970 के ऊपर जो है दरियाफ्त किया था, इसलिए इसका नाम जो है मेडियन जूलियन ऑसिलेशन बना। अब एनजीओ असल में होता ही है कि ये बादल होते हैं जो पूरे ग्लोब के ऊपर घूम रहे होते हैं और इनकी वजह से जो है वेदर के अंदर मैसिव चेंजेस देखने को मिलती है। तो बाज़ वक़्त जो मैसिव चेंजेस आप लोग गर्मियों में बारिशें देखते हैं, बाज़ वक़्त तूफ़ान देखते हैं, वो इसी एनजीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एनजीओ जो होता है ये सर्दियों की बारिश में भी अपना अहम किरदार अदा करता है। तो एनजीओ असल में मेडियन जूलियन ऑसिलेशन ने ये देखा कि कुछ बादल जो हैं क्लस्टर की सूरत में होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनकी हाइट तकरीबन 5,000 से 10,000 किलोमीटर के ऊपर होती है और ये जो हैं इक्वेटर के ऊपर जो है गर्दिश कर रहे होते हैं। तो ये बादल जो होते हैं तकरीबन अगर ग्लोब के गिर्द जो चक्कर लगाते हैं 30 से 60 दिन का इनका एवरेज होता है, बाज़ वक़्त ये जो है 90 डेज तक भी चले आते हैं। तो ये जो होते हैं एनजीओ पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट का हामिल होता है और इसके फेज़ होते हैं, तकरीबन इसके 8 फेज़ हैं। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को ये मेंशन किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 फेज़ मैंने आप लोगों को शो किए हैं। इंडियन ओशन पे होता है, मैरीटाइम कॉन्टिनेंट के ऊपर होता है, कभी वेस्ट पैसिफिक पे चला जाता है या वेस्टर्न और अफ्रीका की तरफ चला जाता है। तो कराची और पाकिस्तान में जो स्पेशली जो हमें समर की रेन होती है और विंटर की जो अगर बारिश होती है तो इसमें एनजीओ का बहुत इम्पोर्टेंट हाथ होता है। अगर गर्मियों की बारिश होगी समर रेन में होगी तो अच्छा रेन हमें जब देखने को मिल जाती है जब स्पेशली एनजीओ फेज़ 2 या फेज़ 3 के ऊपर होता है। फेज़ 1 पे और फेज़ 4 पे भी मिलती हैं लेकिन इंडियन ओशन के ऊपर जब ये बादल आ जाते हैं ख़ासतौर पर फेज़ 2 और फेज़ 3 के ऊपर तो अच्छी बारिशें देखने को मिलती हैं। इसी तरह सर्दियों की बारिश जो है अगर ये फेज़ 8 के ऊपर होगा तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा तो बहुत अच्छी बारिशें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि ये इसका सर्दियों पे किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, देखें सर्दियों में जो बारिश होती है वो WD से होती हैं और गर्मियों की जो बारिशें होती हैं वो लो प्रेशर की वजह से होती हैं। और गर्मियों की बारिशें आप लोगों को जो देखने को मिलती हैं वो बे ऑफ बंगाल से और जो सर्दियों की बारिशें होती हैं वो बेसिकली कैस्पियन सी से जो बादल आ रहे होते हैं WD मेडिटेरियन सी से जो फॉर्मेशन हो रही होती है कैस्पियन सी और मेडिटेरियन सी से जो कि जेट स्ट्रीम के थ्रू आती हैं और वो फिर अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते पाकिस्तान में आती हैं। तो अगर ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कन्वेक्शन अच्छी हुई हो, बादल अच्छे वहाँ फॉर्मेशन हुए हुए हो, अगर फेज़ 8 के ऊपर होते हैं वो बादल तो वो बादल ट्रेवल करते हुए आते हैं। तो इस वक्त जो करंट कंडीशन है इस एनजीओ की तो अभी एनजीओ जो है वो फेज़ 5 के ऊपर है और फेज़ 5 होने की वजह से एनजीओ जो है अभी वीक है काफ़ी। तो पाकिस्तान में ओवरऑल जो सर्दियों की बारिशें हैं वो अगर आप लोग देखें तो अपर एरियाज में ज़्यादा हो रही हैं और जो एनजीओ की करंट फेज़ है अगर ये फेज़ 8 पर अगर आएगा तो ये तकरीबन 17 नवंबर तक इसकी एक्सपेक्टेड डेट है कि 17 नवंबर तक ये फेज़ 8 पे आएगा। 12 नवंबर को जो है ये फेज़ 6 पे होगा। तो जैसे मैंने कहा ये ग्लोब का चक्कर लगा रहे होते हैं, 30 और 60 डेज का ड्यूरेशन होता है, डिपेंड करता है, लेकिन जो चांसेस हैं वो फेज़ 8 पे आने के वो तकरीबन 17 नवंबर हैं। तो ऑलमोस्ट जो है ये 15 नवंबर के बाद जितने भी लोग कह रहे हैं कि मैसिव चेंजेस आती हैं वेदर के अंदर, सर्दियाँ आती हैं ख़ास तौर पर कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विंटर जो आ जाता है हमारे यहाँ 15 नवंबर के बाद, तो वो इसी बेस के ऊपर कह रहे हैं। तो रीज़न इसका पीछे यही है। तो अभी जो है ये मैंने आप लोगों को कहा एनजीओ फेज़ 5 के ऊपर है और 17 तक अगर ये फेज़ 8 पे आता है तो जो बारिशें सर्दियों की ओवरऑल अगर हो ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, जिसको उर्दू में मुल्कगीर बारिशें भी कहते हैं स्पेशली कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर और या फिर जनवरी। अब सारा मदार जो है WD का वो इस MGO वेव्स के ऊपर है। देखो WD तो आते ही रहते हैं, लेकिन जो अच्छी और बारिशें होती हैं, जो फैली हुई बारिशें होती हैं, वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। जिस तरह गर्मियों के ऊपर मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि मेजर रोल जो होगा वो इंडियन ओशन डायपोल का होगा और MGO का होगा। तो MGO जो है वो वेदर का जो फेमिना है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पॉन्सिबल होता है बारिशों के ऊपर, गर्मियों की और सर्दियों की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो MGO से मुतालिक अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है तो पूछ लीजिएगा। तो की पॉइंट मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को कि MGO होता क्या है, किसने दरियाफ्त किया है और इस किस कब ये दरियाफ्त हुआ था, इसके कितने फेजेज होते हैं, ये किस तरीके से ये रोटेट कर रहा होता है, और इस साल जो 2023 में एक्टिव होने के चांसेस हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस हैं, तकरीबन 17 नवंबर तक आइडिया हो जाएगा कि ये एक्टिव हुआ है। फिर वो ग्रेजुअली जो है ये फिर धीरे धीरे जब एक मतलब एक्टिव हो जाता है तो वो फिर टाइम लेके फिर वो हमें बारिशें देखने को मिलती हैं। तो आज का अगर मैं मौसम की अगर आप लोगों को गाइड करूँ, ओवरऑल पाकिस्तान में जो है वेदर अब जो है काफ़ी हद तक जो है शाम के बाद से जो है क्लियर हो जाएगा। इस्लामाबाद में जिस तरह आप लोग ने देखी कल काफ़ी ज़्यादा अच्छा हेल स्टॉर्म देखने को मिला था। अटक से एक सवाल आया था कि अटक में आज किस तरह का मौसम होगा, तो आपका अटक का जो इलाका है वो KPK के रीजन से लगता है और मेनली ये शुमाल जो है मशरकी साइड पे लगता है थोड़ा बहुत। वैसे जो कनेक्टेड है ये KPK के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ आपका जो अपर एरियाज में आता है तो यहाँ पे बारिश भी आप लोगों को अच्छी देखने को मिली होगी, लेकिन अब जो है सर्दी में इजाफा होगा क्योंकि बारिश हो गई है पहाड़ों पर, थोड़ी बहुत जो है इस WD से बर्फबारी हुई है। अब जो होगी रात को और अर्ली मॉर्निंग पंजाब के अपर एरियाज में धुंध रहेगी और बाकी ओवरऑल जो है मौसम, ओवरऑल पाकिस्तान में मौसम जो होगा वो ड्राई होगा। कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं गाइड करूँ तो कराची में देखें कोई अजीब सा मौसम नहीं है, ये वेदर नॉर्मल वेदर है कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी तरह का मौसम हर साल होता है। तो जो भी अपडेट होगी बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोई 13 तारीख को एक्टिविटी होती है तो उसके बारे में भी आप लोगों को मैं आगाह कर दूंगा, स्पेशली सिंध के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।